2022 आधी आबादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साउथ फिल्मों की अभिनेत्री प्रज्ञा ने कहा, आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है। उन्नाव जनपद के एक होटल में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर टर्बो इवेंट व इंडियन इवेंट सॉल्यूशंस के द्वारा टॉप 21 राष्ट्रीय महिला उपलब्धि अवार्ड 2022 आधी आबादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग शहरों से अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली महिलाओं में जिले की साउथ फिल्मों की अभिनेत्री प्रज्ञा गौतम, हिना कौसर मिस एशिया कोलकाता, समरजीत रंधावा बॉलीवुड सिंगर मुंबई, दुआ भट्ट सिने अभिनेत्री जम्मू कश्मीर, सुजा दास गुप्ता आसाम, सोनिया चौधरी जयपुर, विशिप्रीत चंडीगढ़, निशात मिर्जा आगरा, हेमा माधवानी प्रयागराज, सना सिद्दीकी, शिल्पी चौधरी, गीतांजलि नायर, वर्षा वर्मा, स्मृति भंडारी। उन्नाव से साबिस्ता अफजल का सम्मान हुआ। उन्नाव जिले की रहने वाली साउथ फिल्मों की अभिनेत्री प्रज्ञा गौतम ने कहा कि जनपद में महिलाओं का सम्मान किया जाना बहुत बढ़िया काम है। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है जो मुझे यह सम्मान मिला। अगर आपको परिवार का साथ मिलता है और आपका आत्मविश्वास मजबूत है, कुछ करने का जुनून है, तो सफलता अवश्य मिलती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सुधा देवी शुक्ला, जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष आरती वाजपेयी शामिल रही। उन्नाव से योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट। प्रज्ञा जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव डिस्ट्रिक्ट सफीपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो महिलाओं को लेकर जो लोगों की सोच रहती है, और कहा जाता है कि फिल्मों में करियर बनाना बहुत कठिन रहता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फिल्मों में बनाना करियर बहुत टफ तो रहता है, लेकिन मतलब ये नहीं, नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ आप फिल्मों में अगर जाना चाहते हैं तो आप पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे हैं, अकेले हैं, तो फैमिली का सपोर्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कभी भी अकेले खुद को महसूस ना करें। क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट है तो कभी आपको प्रॉब्लम हुआ लाइफ में तो फैमिली आपके साथ में खड़ी तो होगी ना, इसलिए। और फिल्मों में क्या है, आपको एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी है, और आप अच्छे आर्टिस्ट हो जाएंगे तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। महिला दिवस के अवसर पर जो नव युवतियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश है कि जो बहुत सारी हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जिनको बहुत डर लगता है बाहर निकलने में और कुछ भी लाइफ में आगे करने के लिए, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद का विश्वास, खुद पर विश्वास रखिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी किसी से नहीं डरना, क्योंकि आप खुद एक, आप भी तो मनुष्य हैं ना, आप नारी जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। आप पुरुष के ही साथ में खड़े हो सकते हैं और उनके कंधा, उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के जा सकते हैं और उनके लेवल पे जा सकते हैं, और आप उनकी ही तरह से आप अपनी लाइफ में आगे काम कर सकते हैं और अपने पैरों पे कमा, जितना पुरुष कमा सकता है क्या उतनी औरतें भी कमा सकती हैं, क्योंकि दिमाग तो दोनों के पास बराबरी होता है और सारा सब कुछ इंसान को अपने विश्वास पे डिपेंड है कि अगर उनका विश्वास बहुत अच्छा है या खुद पे भरोसा है तो फिर वो बहुत आगे जा सकते हैं।